You are watching Chemistry by Sadhanavar for coaching and tuition classes of matric, FSC, O-level and A-level students. Kindly contact at this WhatsApp number 0331-791-3737. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो जी हाँ, आज टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। FSC केमिस्ट्री के स्टूडेंट और ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए लेवल के सिलेबस और FSC केमिस्ट्री के सिलेबस में से टॉपिक मैंने पिक किया है। तो मेरे चैनल पे जो मोस्टली लोग हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, वो BS के हैं और MSc के हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉपिक FSC का है, तो अगर आपके कोई दोस्त, छोटे भाई, कोई जानने वाले, कोई छोटे कज़न हैं जो FSC केमिस्ट्री में हैं या ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो काइंडली ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का इसी तरीके का दूसरा नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। और ये टॉपिक FSC की केमिस्ट्री की बुक में कहाँ लिखा हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जनाब, ये बुक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो 287 चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हमने ये टॉपिक चूज़ किया है। आइए इसको नहायत आसान बनाकर आपको दिखाएं। ये कुछ रोल लिखे हुए हैं, इन रोल को देखिए कि रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो हमारे पास रूल हैं, वो 6-7 रूल हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इन रूल को हम पढ़ेंगे, फिर इन रूल को अप्लाई करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। जनाब, पहला रूल है राइट गिवन इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म। जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, उस गिवन इक्वेशन को आयोनिक फॉर्म में लिखें, आयन की शक्ल में लिखें। दूसरा रूल है आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उन एलिमेंट्स की शनाख्त कीजिए जिनमें ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है। तीसरा रूल, ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स। इक्वेशन जो रिडॉक्स इक्वेशन है उसको दो हिस्सों में कर दो। कौन से दो हिस्से? एक ऑक्सीडेशन हाफ जहां ऑक्सीडेशन हो रही हो, और एक रिडक्शन हाफ जहां पर रिडक्शन हो रही हो। फिर ऑक्सीडेशन हाफ और बैलेंस हाफ को बैलेंस करो। रूल 4 है बैलेंस द हाफ इक्वेशन। कैसे बैलेंस करो? बैलेंस करने के रूल ये हैं कि बैलेंस ऑल अदर एटम। इक्वेशन में जितने भी एटम हैं उनको बैलेंस करो सवाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। सेकंड पॉइंट, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करो? ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय एडिंग वाटर। वाटर ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस करो। कहाँ पर वाटर ऐड करना है? वहाँ पर वाटर ऐड करना है, उस साइड में वाटर ऐड करना है जहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो। थर्ड पॉइंट है जनाब बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करो। भैया कैसे बैलेंस करो? बाय एडिंग हाइड्रोजन आयन। फोर्थ पॉइंट, बैलेंस चार्ज। चार्ज को बैलेंस करो बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करके चार्ज को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ऐड टू हाफ। जब यहाँ तक हम पहुँच जाएँ तो जो हमारे पास दोनों हाफ थे, दोनों इक्वेशन थे, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, जिनको हम बैलेंस कर चुके थे, उनको आपस में ऐड करना है। इस तरह से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं। ऐड टू हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ गेट्स कैंसल्ड। फिर अगर हमारे पास बेसिक मीडियम हो तो उसमें ऐड कर दो हाइड्रोक्साइड आयन टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन एज मैनी हाइड्रोजन आइन वर एडेड टू वन साइड। नहीं समझ आया होगा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा भैया, फिर समझ आएगा। हाँ, ये देखो मैंने एग्जाम्पल 4 लिखा। एग्जाम्पल 4 क्यों लिखा है? क्योंकि जिस बुक से मैंने पिक किया उस बुक में एग्जाम्पल 4 है ये, और एसिडिक मीडियम है। तो आप देख सकते हैं कि इस बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। मैं इस बुक भी आपको दिखा रहा हूँ कि मोस्टली पंजाब में, पाकिस्तान में या इंडिया में यही बच्चे बुक्स पढ़ते हैं। तो अब मैंने इस बुक से ये क्वेश्चन मनोवन एज इट इज़ एज लिया है। एसिडिक मीडियम के एग्जांपल 4 को हम सॉल्व करेंगे। जनाब एग्जांपल है हमारे पास जिसमें हमको बैलेंस करना है बाय आयन। कौन से मेथड से? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो हमारे पास इक्वेशन को इक्वेशन गिवन है आयोनिक फॉर्म में, तो मैं वो इक्वेशन लिख देता हूँ जिसमें क्लोराइड आयन है प्लस MnO4 नेगेटिव आयन, ये हमें दे रहा है Cl2 प्लस Mn
टू प्लस, अब सही हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये एक हाफ़ है, ठीक। तो हमारे पास नहीं, सॉरी, एक हाफ़ नहीं है, ये पूरी एक इक्वेशन है, आयोनिक फॉर्म में गिवन है, ये आयोनिक फॉर्म में गिवन है, आयोनिक इक्वेशन है। हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, कौन से मेथड से, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो पहला रूल क्या था, राइट गिवन इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म, वो हम कर चुके। दूसरा रूल क्या था, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उन एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करो जिनमें ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो। तो आओ देखो किस में ऑक्सीडेशन हो रही है और किस में रिडक्शन हो रही है। यहाँ क्लोराइड है -1, -1 से यहाँ पर क्लोरीन है 0, -1 से 0 पे जा रहा है। -1 से 0 पे जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फिर आ जाओ, फिर दूसरी साइड पर आ जाओ और चेक करो कि क्या हो रहा है। मैंगनीज़ को देखो, मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, आओ मैं भी निकाल के दिखाता हूँ। MnO4-1, इसमें हमको मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर जानना है। मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, ओवरऑल इस पे चार्ज है -1 का, -1 यहाँ पे लिख दो। एक ऑक्सीजन पर होता है -2, यहाँ पर चार ऑक्सीजन है तो -8 हो गया। तो -8 जब इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा, -1 +8, तो ये जनाब +7 है, मतलब मैंगनीज़ पर +7 चार्ज आया। तो मैंगनीज़ पर +7 है। अब +7 से मैंगनीज़ कहाँ पर जा रहा है, मैंगनीज़ 2+ में जा रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो हमने ये काम भी कर लिया, उन एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन कर ली जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही। अब तीसरा है, ब्रेक द इक्वेशन, स्प्लिट द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स। अब क्या करें, तीसरा काम क्या था, स्प्लिटिंग इक्वेशन इनटू टू हाफ। कौन से दो हाफ, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। बीच में अपनी सहूलत के लिए एक काम करो, एक डॉट, एक लाइन लगा लो और जनाब इस तरफ लिख दो ऑक्सीडेशन हाफ, जिसमें क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन में, ये ऑक्सीडेशन हाफ है। और रिडक्शन हाफ क्या है, जिसमें MnO4-1 कन्वर्ट हो रहा है जनाब Mn2+ में, ये क्या था, ये रिडक्शन हाफ था, ये रिडक्शन हाफ है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है और ये वाला ऑक्सीडेशन हाफ है। तो ये काम भी कर दिया। बैलेंस दी हाफ इक्वेशन, अब इसको भी बैलेंस करो, इसको भी बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करो, बैलेंस ऑल अदर आइटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी हर एलिमेंट को बैलेंस करो। यहाँ पर क्लोरीन 2 हैं, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो भैया क्या करो, भैया काम ये करो कि यहाँ पर 2 लगा दो। अब यहाँ भी 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ भी 2 क्लोरीन हो गए। यहाँ पर मैंगनीज़ 1 है, यहाँ पर भी मैंगनीज़ 1 है, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन को अभी नहीं छेड़ना, ऑक्सीजन को अभी बैलेंस नहीं करना। अगला स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 4, हाँ, तो यहाँ पर भी आप क्या करो, 4 ऑक्सीजन ऐड कर दो। मैं ज़रा इस इक्वेशन को ज़रा दोबारा धीरे से दोबारा लिख देता हूँ, MnO4-1 जनाब Mn2+। तो ऑक्सीजन यहाँ पर हैं 4, यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर क्या करो, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब क्या करो, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 4 2s are 8, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन भी नहीं, तो जनाब यहाँ पर 8 हाइड्रोजन आयन ऐड कर दो तो बैलेंस हो जाएगी। यहाँ भी अब 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन हो गए। अब क्या करो, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। कौन सा स्टेप, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, ये स्टेप मैंने पीछे लिखे हैं, आप वीडियो को पीछे करके बैक करके देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या था कि बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके चार्ज को बैलेंस करना। यहाँ पर चार्ज कितना, ये बात बहुत समझने वाली है, यहाँ पर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा। यहाँ पर चार्ज था -2, देखो एक क्लोरीन पर है -1, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो दो क्लोराइड आयन का जो चार्ज है वो बन रहा है -2, यहाँ पर चार्ज है 0,
तो चार्ज बैलेंस करना है, दोनों जगह सेम चार्ज लाना है। कैसे लाना है? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ ऐड करना है? बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि सर इलेक्ट्रॉन को इस जगह पर ऐड करेंगे या इलेक्ट्रॉन को इस जगह पर ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कहाँ ऐड करेंगे, ये वाला नुक्ता मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। माइनस टू छोटा होता है, ज़ीरो बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर ऐड करना है। कितने इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर ऐड करना है? दोबारा सुनो, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? ताकि बैलेंस हो जाए चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन को ऐड कहाँ पर करना है? यहाँ पर करना है ज़ीरो के साथ या माइनस टू के साथ? तो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक ये है कि जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा होगा, अब ज़ीरो बड़ा है ना माइनस टू से, ज़ीरो ग्रेटर होता है माइनस टू से, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा होगा वहाँ पर ऐड इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं? दूसरी ट्रिक जनाब, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं? माइनस टू और ज़ीरो का डिफरेंस कितना आ रहा है? दो का डिफरेंस आ रहा है, तो आपने दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। अब चार्ज बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का मतलब होता है माइनस वन चार्ज ऐड करना। तो अब यहाँ भी चार्ज माइनस टू हो गया, यहाँ पहले ही माइनस टू था, चार्ज बैलेंस हो गया। तो दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड कर दिया, तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब आओ देखो इस साइड पर, इधर ये जो रिडक्शन हाफ है इसमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना सीखते हैं। यहाँ पर चार्ज कितना है? हाइड्रोजन का प्लस, तो एट हाइड्रोजन, और इस पर माइनस वन। तो देखो, एट में से माइनस वन निकालें तो प्लस सेवन, चार्ज यहाँ पर प्लस सेवन है, और यहाँ पर चार्ज है टू प्लस। यहाँ चार्ज टू प्लस है, यहाँ पर चार्ज सेवन है, तो चार्ज तो बैलेंस नहीं है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। कहाँ पर ऐड करेंगे? प्लस सेवन के साथ या टू प्लस के साथ? तो मैंने आपको ट्रिक ये बताई कि जहाँ नंबर बड़ा हो, प्लस सेवन बड़ा होता है ना टू से, तो जहाँ नंबर बड़ा हो वहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड करना है। अब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं? तो दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई कि जो बड़ा नंबर और छोटे नंबर का डिफरेंस लें, रिज़ल्ट आया पाँच, तो पाँच इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब पाँच इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन में ऐड करने हैं, तो जनाब पाँच इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर ऐड करने हैं, प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो हमारे पास अब दो इक्वेशन बन गई, हम उनको नाम दे देते हैं। इसको कहें वन कह दें और इसको टू कह दें, दोनों बैलेंस इक्वेशन हमारे पास आ गई, और ये दोनों बैलेंस हाफ आ गए। रिडक्शन हाफ भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ भी बैलेंस हो गया। अगला स्टेप हमारे पास क्या था? फिफ्थ स्टेप हमारे पास ये था कि ऐड टू हाफ्स, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड करें। किस तरह ऐड करें? इस तरह ऐड करें कि इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसिल। ऐड इक्वेशन नंबर वन एंड टू, तो मैं इन दोनों को ऐड करने लगा हूँ। देखो कैसे ऐड करूँगा, टू क्लोराइड क्लोरीन प्लस दो इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन टू यहाँ से उठाई और ऐड किया, MnO4 माइनस वन प्लस एट हाइड्रोजन, साथ में प्लस पाँच इलेक्ट्रॉन, Mn टू प्लस और चार वाटर मॉलिक्यूल। अब इनको ऐड करना है, लेकिन किस तरह ऐड करना है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐड इस तरह करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं। अब यहाँ पर देखो तो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखो तो पांच इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ फाइव से, तो फाइव टू ज़ार टेन हो जाएगा, और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ टू से, होल इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ भी फाइव टू ज़ार टेन इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगा वो लिखते हैं, लिखा हुआ है। मैंने किया क्या कि इस इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए, 5 टू ज़ार 10 हो जाए, और हर चीज़ को इस Cl2 को भी मल्टीप्लाई करना है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इस तरह से ऐड करो कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो सकते हैं, अभी आप देखेंगे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, बाकी जो चीज़ें बच गए उनको वैसे लिख दो। 10 क्लोराइडाइन
प्लस टू एम एन ओ फोर माइनस वन प्लस 16 हाइड्रोजन, ठीक हो गया। और प्रोडक्ट वाली साइड पे 5 सी एल टू प्लस टू एम एन टू प्लस 8 एच टू ओ। अब ये जो इक्वेशन आपको लिखी हुई नज़र आ रही है ये बिल्कुल एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। दिस इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन, ये हर एतबार से बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें, ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, बिल्कुल जनाब बैलेंस्ड इक्वेशन है। मैं वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि लेंथी हो जाएगी, बच्चे देखेंगे नहीं। अब मैं एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है फर्दर एग्जाम्पल के लिए वो आपके साथ शेयर करता हूँ।